देखिए हमारे हाथ में ये सूती कपड़ा है और पहली बार मेरे वर्कशॉप में 12 साल में पहली बार मेरे वर्कशॉप में एक कस्टमर जो बाइक सर्विस कराने के लिए लाए, इंजन का काम कराने के लिए लाए, तो वो कपड़े साथ में लेकर आए। जो कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास, हम मैकेनिक लोगों के पास जो कमी होता है गाइस, सबसे ज़्यादा जो कमी होता है वो कपड़े का कमी होता है, हाथ साफ़ करने के लिए कमी होता है। तो मेरे पास जो आज कस्टमर आए हुए हैं, ये देखिए ये TVS का स्पोर्ट बाइक है और इस बाइक का हमें इंजन बनाना है। तो इंजन हम फिट करने जा रहे हैं और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि इस इंजन में क्या क्या पार्ट्स हम डालने जा रहे हैं। वहाँ पे सारे पार्ट्स पुर्जे वहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे ये कस्टमर बैठे हुए हैं। तो इस बाइक का हमें इंजन बनाना है और ये कस्टमर तकरीबन 12 साल पुराना है मेरा, तो ये हमेशा मेरे पास आते रहते हैं। तो इन्हें पता है कि जब सर्विस कराते हैं या फिर इंजन का काम कराते हैं तो कपड़े का ज़रूरत हमेशा पड़ता है, इन लोगों को कपड़े का कमी हमेशा रहता है, इसलिए ये कपड़ा साथ में लेकर आए। तो गाइस देख सकते हैं कि मैंने इसका फुल इंजन ओपन करके रखा है और यहाँ पे ये सारे पार्ट्स हैं। ये देखिए ये सारे यहाँ पे पार्ट्स पुर्जा है। तो इस पार्ट्स पुर्जे को हम दिखाने जा रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हमें इसमें डालना पड़ रहा है। तो बराबर गाइस मेरे पास ही इस बाइक की सर्विस होती है हमेशा, एक इंजन और हमेशा डालते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँ, अगर आप अपनी बाइक का इंजन अगर देखना लंबा दिनों तक चलाना चाहते हैं तो आपको सही समय पर इंजन ऑयल रिप्लेस कराना चाहिए और एक मैकेनिक के पास रिप्लेस कराना चाहिए इंजन ऑयल को, और मैकेनिक को भरोसा दिलाना चाहिए, ठीक है, कि मैं ठीक हूं और आप अपने काम करते रहें, आप अच्छा इंजन ऑयल डालते रहें। अगर आप एक मैकेनिक को भरोसा दिला देते हैं तो आपकी बाइक का अच्छी सर्विस होती रहेगी। तो आप जहाँ से भी गाइज है तो वहाँ पर आप सर्विस कराएं समय समय पर, आप अपने बाइक में एक इंजन ऑयल डलवाते रहें और बेहतर से बेहतर 20W40 या फिर 10W30 ग्रेड का आप अच्छे कंपनी का अच्छे ब्रांड का इंजन डलवाते रहें। तो मैं हूँ कासिम मुंडो, झारखंड जो गोड्डा जिला के नरैनी से, जो कि हमारा यहाँ पे वर्कशॉप पड़ता है। ये देख सकते हैं ये कुछ तरीके से हमारा शॉप का लोकेशन है। दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट मैंने पूरे इंजन को वॉश कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पैकिंग किट है, ये JPD पेनियन है और ये टाइमिंग चेन है और ये क्लच प्लेट है। उधर करेंक है, करेंक का बेयरिंग हमने रिप्लेस करा दिया है, करेंक का काम करा दिया है। ये पिस्टन का डिब्बा है, ठीक है गाइस। तो हमने इसको बोर कराया है सिलेंडर ब्लॉक को और इसमें हमने 50 ml का पिस्टन डाला है, ठीक है। तो 50 ml पिस्टन डाला मैंने, इसको बोर कराया यहाँ पे, बल्ब वायर सीड और बल्ब हमने भी नया डाला, ये देख सकते हैं दोनों बल्ब हमने नया डाला है। और ये पिस्टन देख सकते हैं कि 50 ml 0.5 जो नंबर है ये 50 ml का गाइस ये पिस्टन है। तो 50 ml का पिस्टन हमने दे के सिलेंडर ब्लॉक को बोर कराया, ठीक है। तो आज का ये वीडियो जो देख रहे हैं ये एक ब्लॉग टाइप का है, तो हमारा जो मेन चैनल है कासिम मोटो उस पर भी आप विजिट करें, उस पर मैं फुल इंजन फिटिंग करने की वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अभी वीडियो शूट करूंगा इस बाइक का, इसका इंजन का। जब मैं इसको फिटिंग करूंगा तो पूरा फिट कैसे करना है, जितना भी पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स है सबको कैसे इकट्ठा सेटिंग करना है चैम्बर में, इसके लिए फुल इंजन फिटिंग कैसे करना है, अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे कासिम मोटो यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कीजिए। इसके साथ ही कासिम मोटो फेसबुक पेज पे को भी विजिट कीजिए और शॉर्ट वीडियो रील वीडियो देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, कासिम मोटो के नाम से लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इतना सारे काम कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो ये बाइक वाइट स्मोक दे रही थी और इंजन में कुछ साउंड भी था, जो कि मैंने पूरा इंजन ओपन किया है और 12 साल में मैंने तकरीबन 2 बार ही इंजन खोला, मैंने फुल इंजन हमने 2 बार खोला और 1 बार शायद रिंग डाला था बस, और बराबर